इट इज़ वेरी इमोशनल. आज का दिन आप काफ़ी इमोशनल है आप लोग, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब आप, मैं समझ सकता हूँ कि आप तभी भी आप इंटरव्यूज बैक टू बैक आपने कई लोगों को इंटरव्यू दिया. नॉट ओनली आज, हमेशा से आप लोगों ने कभी ना नहीं बोला. लास्ट टाइम नेहायका काफ़ी बीमार भी थी, और मैंने देखा कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है कुछ लोगों को, बीमार होते हैं, टैबलेट लिया है. तो सच अ लवली बॉन्ड, और आपने हमेशा मीडिया के साथ फ्रेंडली रहा है. क्या कहना चाहोगे, मतलब थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू हमेशा कॉपरेट रहने के लिए आपने. तो इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब, और मैंने मार्ट साहब भी कितनी मेहनत करते हैं, बट मैंने इनसे सीखा है कि ही ऑल्सो नेवर कम्प्लेन्स. तो हम दोनों ने शो को सब अपना सब कुछ दिया है. हम दोनों ने ही नहीं, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है. कोई भी शो किसी कोई एक या दो बंदे नहीं चला सकते, पूरी टीम, इट टेक्स अ विलेज. तो बस हमने जो किया वो सक्सेसफुल हुआ. लेकिन आप लोगों ने 16-16 घंटे, 15-15 घंटे काम किया है आप लोगों ने इस शो के लिए. बहुत कुछ आपने दिया है, और शो की टीआरपी काफी हिट रही. क्या कहना चाहोगे छोरी के? नहीं, 15-16 नहीं, हमने 20 भी किया यार, हमने 21 भी किया है. उसके बाद अगले दिन भी उठ के आए हैं पेन किलर्स खा के. बट मैंने खुद देखा है, बीमार है और आप शूट कर रही थी. हार्डवर्क पेज ऑफ ऑब्वियसली. इन्हें भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है कभी किसी, आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट की वजह से यहाँ पर शूट नहीं रुका है. सब ने अपनी वर्स्ट टाइम्स में भी शूट किया है यहाँ पे. तो दिस शोज़ के हम सबको शो से कितना प्यार था और हमेशा रहेगा. शो की टीआरपी इतनी बेहतरीन थी, हम जब भी देखते कि शो ऑफ एयर होता है बिकॉज ऑफ लो टीआरपी, लेकिन यहाँ पे बहुत गलत हुआ है. तो आज जिन्होंने गलत किया उनको बोलो ना, हम क्या करें गलत किया है, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं. गलत हुआ है और बिकॉज ऑफ बिग पीपल. क्या कहना चाहोगे? ये सी, यू एंड आई कैन नॉट डिसाइड कि इट्स जो गलत हुआ है वो इट इज बीन डन बिकॉज ऑफ बिग पीपल या किसकी वजह से हुआ है. बट गलत सही भी नहीं, अब ठीक है, अब जो हो गया है लेट अस लिव दिस मोमेंट एंड डील विद आवर इमोशंस. हो गया, आप जो कुछ गलत सही नहीं है, ये होना था तो हो गया. हमें किसी को गलत नहीं बोलना यार. और हम जब आए थे हम तब भी हमने 2.4 पे ओपन किया था. हम जा भी रहे हैं जब हमारा बहुत अच्छी टीआरपी है, वी आर स्टिल इन टॉप 4. तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है. और तो एक और रिक्वेस्ट है, 9 बजे अब जो शो आ रहा है, हाँ, देखना प्लीज़ वॉच इट. जो भी फयान के फैंस हैं, क्या नाम है शो का बता दो. बातें कुछ अनकही सी. लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम नहीं देखेंगे. नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि देखो, हमारी एक टीम थी, हमने मेहनत की. कोई भी शो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है. वहाँ पर भी लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर भी इतने लोगों का घर चल रहा है. तो जो प्यार हमारे शो को दिया है उतना ही प्यार दो. वैसे भी हम आपको दूसरे शो में दिखी जाएंगे, और बहुत छोटी इंडस्ट्री, हम लोग काम करते रहेंगे ही रहना. और लेकिन आज आप बहुत ही, आप तो जेंटलमैन, आप बहुत सुंदर लग रही है ड्रेस में. तो मतलब एक एट द एंड ऑफ द एपिसोड फालतू और आप दोनों मिल चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? फयान एक हो गए. सबको पता था आज नहीं कल वो दिन आएगा, पर इतनी जल्दी एकदम से आ जाएगा, मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था ऑब्वियसली. पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. हम आपको फिर मिलेंगे बहुत जल्द. और हमने जब लोगों से, आपके जो को-स्टार हैं उन्होंने काफ़ी आप लोगों की तारीफ की, आप दोनों की, आपके जो को-स्टार्स हैं, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? हम सब भी उनसे यार, रजत ने काफ़ी आपकी तारीफ की. वो सब अच्छे लोग हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे बारे में अच्छा कहा. वो हमसे अच्छे हैं सब, एंड बहुत अच्छे लोग हैं सब. सारे हमारी टीम बहुत अच्छी थी, सबने बहुत. और आप लोग भी देखो, तनीषा को इतना बोलते हो, शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल. वो उसका कैरेक्टर है जो उसने अच्छे से किया, तभी आप लोग गालियाँ देते हो. गालियाँ नहीं, मतलब जो भी यू थिंक शी इज़ इविल, शी इज़ जस्ट अ गुड एक्टर. एंड सेम गोज फॉर कनिका और जो भी नेगेटिव करते हैं. तो प्लीज़ सबको प्यार दिखाओ. सबने बहुत मेहनत की, हमने दिन रात एक करके यहाँ शूट किया. हम सबने कभी इसको काम की तरह नहीं लिया, इस शो को. मुझे लगता है हम सबने बहुत ही दिल से काम किया, अपना शो समझ के, जो हमारा शो है भी. तो बस कोई नहीं, अब हो गया है. जब भी हमें मिस करो फालतू के पुराने एपिसोड, अभी 2 एपिसोड रह गए हैं, वो देख लेना बस. और फालतू 2 आएगा फ्यूचर में, फालतू 2 आपके. अभी तो आप बोलोगे हमें नींद आ जाए अच्छे से घर जाके. आपके मुंह में नहीं शक्कर, हमारा शो इतना टॉप पे होकर हट रहा है, तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा. थैंक यू सो मच एंड लवली टॉकिंग टू यू. और हम चाहते कि आप दोनों एक साथ फिर से देखें, आगे भी देखें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में, वेब सीरीज या फिल्म्स में. थैंक यू सो मच.
आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू।